अगर आप सभी रियल में पेटीएम मनी अर्न करना चाहते हैं और वन प्लस सिक्स को जीतना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए डेटा बडी। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। यहाँ पर चल रही है वन प्लस की बिड, आप सभी जाइए यहाँ पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट वेट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है वन प्लस सिक्स के ऊपर और यहाँ पर 44 आवर्स के अंदर इसका जो है रिजल्ट निकलने वाला है। मेरी 5 बिड जो है रिमाइंड है अभी और यहाँ पर आप बिड लगा सकते हैं, 44 आवर्स के अंदर जो है रिजल्ट निकलने वाला है। तो फटाफट कीजिए, क्या पता आप सभी जीत सकते हो वन प्लस सिक्स। तो दोस्तों देर मत कीजिए, ठीक है। और इस को आप अपने दोस्तों के साथ अगर रेफर करोगे तो आपको यहाँ पे 15 रुपए जो है मिलने वाले हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर साइन अप करते ही आपको जो 10 रुपए जो है मिल जाएंगे। तो एक दोस्त के साथ रेफर करें और आप यहाँ पे 20 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं अपने पेटीएम के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन की हैं जिसकी रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एज यू कैन सी गाइस, मैंने 15 रुपये तक की यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ रिडीम किए हैं, मैंने बहुत बार किया। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा पैसे अर्न किए हैं इस एप्लीकेशन से, तो अब आपकी बारी है, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप जाके अपने वॉलेट के अंदर, जस्ट वेट गाइस, वॉलेट के अंदर जाकर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दोबारा डालकर और यहाँ पर आप 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 और 1000 तक का विड्रॉल कर सकते हैं और विड्रॉल के पैसे जो है 1 मिनट में जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी धोखा डाल दिया, एप्लीकेशन नहीं ऐसी है। तो दोस्तों एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यो 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 भाई लोग, कैसे आप सभी लोग, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना AK टेक्निकल पॉइंट। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है, अगर हम लैपटॉप के अंदर गेम खेल रहे हैं तो जब लाइट जाती है या हम अगर बैटरी पर गेम खेल रहे हैं तो हमारा जो गेम है बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाता है, खास करके GTA 5, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ, देखिए मेरे पास है मेरा ASUS वाला लैपटॉप, ठीक है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर चल रही है GTA 5, ये देखिए पूरी GTA 5 जो है चल रही है यहाँ पर, ठीक है। जो मैं गेम प्लेस वगैरह डालता हूँ इसी गेम से डालता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सभी यहाँ पर कोने में देखिए, यहाँ पर आपको FPS नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये देखिए जो मैंने चार्जर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इससे अपने लैपटॉप का, ठीक है, चार्जर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों अब मेरे को FPS क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ तो गेम प्ले देखो कितना स्मूथ है, आप सभी के सामने देखो कितना स्मूथ है, ठीक है। ये देखो कितना स्मूथ है, ठीक है, कितना स्मूथ चल रहा है, आप सभी के सामने है, ठीक है। जितना भी स्मूथ चल रहा है इस टाइम मेरे को 24-25 FPS देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, पूरी हाई सेटिंग्स पे, ठीक है। अब मैं ये चार्जर ज़रा निकाल देता हूँ, जस्ट वेट गाइस, निकाल दिया मैंने। ये निकालते ही ये देख रहे हो कितना FPS ड्रॉप हुआ, एकदम मेरे को 11-12 FPS देखने के लिए मिल रहा है, 11 और 12 FPS आ रहा है, बस 11 और 12 FPS आ रहा है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं देखो आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सभी GTA 5 खेल रहे हो, WW2K17 खेल रहे हो, Watch Dogs 2 खेल रहे हो, सभी गेम्स खेल रहे हो, तो उनके साथ ये दिक्कत आने वाली है। अब बेसिकली अगर मैं इसके अंदर PUBG मोबाइल खेलता हूँ, Tencent गेमिंग बडी से बिल्कुल सही तरीके से चलता है, बट बड़ी गेम जो है ऑफिशियल इंस्टॉल्ड है इस वाले लैपटॉप के अंदर वो लैग करती हैं, जैसे कि WW2K17 ट्रेन सिमुलेटर 2017 लैग करती है, एंड वो तो लैग ही करती रहती है। और बेसिकली यहाँ पे वॉच डॉग्स 2 भी बहुत लैग करके चलती है अगर मैं इसको बैटरी पे चलाता हूँ। दोस्तों गेम बहुत बड़ी है और इसका हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता, इसकी बैटरी सब कुछ नहीं चला पाती है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और दोस्तों एक और कारण है, जैसे कि अब मैंने इसको बिस्तर पर रखा हुआ है अपने बेड के ऊपर, तो मैं यहाँ पर रख के चला रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पीछे इसका फ़ैन होता है, वहाँ से हवा नहीं निकल पाती है, जी हाँ वहाँ से हवा नहीं निकल पाती है और आपका लैपटॉप जो है यहाँ से हीटअप हो जाता है। देखो मेरा कितनी जल्दी हीट हो गया यार, और हीट होने के बाद गेम जो है लैग होने लग जाएगी, ठीक है। और मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि मेरे GTA 5 की जो मेरे ASUS वाले लैपटॉप उसके अंदर क्या सेटिंग्स हैं, तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे एज यू कैन सी गाइस, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अब आप सभी बिल्कुल मैं आज आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ। देखो जो मेरा सबसे पहले है इग्नोर सजेशन लिमिट्स ऑफ किया हुआ है मैंने, डायरेक्ट एक्स वर्जन जो है 11 है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मेरा है 920x1080 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन में चलाता हूँ, इसको मैंने ऑटो रखा हुआ है, रिफ्रेश रेट 60Hz है, ऑप्टिमाइज मॉनिटर एक ही है, FX ऑन, MSAA ऑफ, ठीक है, और ये ऑन ऑन, और ये मैंने डिस्प्ले कैपेसिटी को फुल, सब कुछ इनको मैंने फुल किया हुआ, सब कुछ फुल है, ठीक है। और टेक्सचर क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल है, इसको बढ़ाना मत, ठीक है। और यहाँ पे शेडो बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पे बेसिकली शेडर है और ये शेडो है, ये भी नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन क्वालिटी भी नॉर्मल है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन MSAA X2 है मेरा, और वाटर क्वालिटी नॉर्मल है, और यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, ग्रास नॉर्मल है, सॉफ्ट नॉर्मल है,
सॉफ्ट जो है बेसिकली यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, शार्प है और सॉफ्ट है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टेस्ट है, और यहाँ पे AMD है, यहाँ पे NVIDIA PCSS जो है ना आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है अगर आपके लैपटॉप के अंदर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। पोस्ट एफेक्ट्स मैंने अल्ट्रा किया हुआ है, मॉइस्चर ब्लर सैचुरेशन इसको आपने पूरा मैक्स कर देना है तभी गेम के अंदर मज़ा आता है, ठीक है। इन गेम डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट ऑन, और यहाँ पे X16 नॉर्मल, बस ये मेरी GTA 5 की सेटिंग्स है। जिन सब्सक्राइबर्स को नहीं पता था वो यही सेटिंग्स हैं, और यहाँ पर जितने देखिए आप सभी, अब बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जितनी डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं, एडवांस्ड जो ग्राफिक्स होते हैं, एडवांस्ड ग्राफिक्स में तो मैंने सब कुछ ऑफ़ किया हुआ भैया, सब कुछ ऑफ़ किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं और बेसिकली जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की सेटिंग ये है आप सभी के सामने है, आप सभी मिलाकर यहाँ से जो है कर सकते हैं। ओके, ये एज यू कैन सी गाइज मैंने जो मेरी सेटिंग्स थी मैंने आपको सब कुछ बताया, और सेटिंग्स के बाद अब यहाँ पर देखिए मेरा जो गेम है बिल्कुल इस तरीके का चल रहा है। इन सेटिंग्स के ऊपर मेरा गेम का जो रेजोल्यूशन है और सब कुछ है बहुत अच्छे तरीके चल रहा है। तो GTA 5 के लिए अगर आप सभी के पास है NVIDIA GeForce 940MX 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड तो आप सभी ये रख सकते हैं, और 8GB की DDR4 अगर आपके पास रैम है तो आप सभी ये सेटिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास है इंटरकोर्स 7 जनरेशन i5 प्रोसेसर तो आप यही सेटिंग जो है रख सकते हैं, ठीक है। और ASUS का अच्छा लैपटॉप है, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ बेस्ट है, और मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं दी है। आपको मेरे लैपटॉप के अंदर और कौन सा जो गेम का रिव्यू चाहिए, क्या FPS मेरे लैपटॉप के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा अगर कुछ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। ओके, तो मिलता हूँ सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।